हेलो एवरीबॉडी, दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 3000 मोस्ट क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। ये प्रश्न दोस्तों सभी सब्जेक्ट से मैंने लिए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, लोकतांत्रिक, और साथ ही दोस्तों भारत और विश्व का इतिहास, भारत विश्व का भूगोल, और दोस्तों को सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, और फिर दोस्तों बाकी के सब्जेक्ट जैसे एनसीईआरटी है, उन सभी से मैंने लिया है। ये दोस्तों मैंने सबसे बड़ी से बड़ी यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। एक बार देखोगे तो दोस्तों वीडियो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे ये 3000 एमक्यूज के प्रश्न। चलिए, एक क्लास का सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ आपको, और ये मैं 100% वादे के साथ कहता हूँ कि आपको मैं दोस्तों 100% हंसते हंसते ये 3000 प्रश्न आपको याद करवा दूंगा। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का लक्ष्य प्राप्ति क्लासेस पर, और मैं हूँ आपके साथ चौधरी चरण सिंह भास्कर। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक देना है दे दीजिए, और साथ ही फटाफट वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर ले ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन्हें भी हो। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैंने 3000 प्रश्नों को 10-10 वीडियो प्रतिलिपियों में बांट कर रखा है। तो सबसे पहले जहाज की गति अभिव्यक्ति होती है दोस्तों, जहाज की गति है वो कौन अभिव्यक्त करता है? नॉट, नॉट नाम के, नॉट नाम के दोस्तों एक यंत्र होता है जो दोस्तों जहाज की गति को दोस्तों अभिव्यक्ति करता है। इसमें से दोस्तों कौन सा कीट नहीं है, यानी कि कीट दोस्तों मकड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रख लेना दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है? वो है दोस्तों कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फुड एंड माथों, दोस्तों ध्यान रख लेना, जंतुओं में होने वाली फुट एंड दोस्तों माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होता है? ये रोग दोस्तों विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के चेहरे पहचाने वाले पुलिस कार विकसित की गई है? दोस्तों किस देश के चेहरा दोस्तों पहचानने वाली पुलिस कार को विकसित दोस्तों करने वाला देश है? चाइना। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाड़ी अनातोल एलियन का संबंध दोस्तों जिस खेल से है, वो खेल दोस्तों कौन सा है? ये है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1966 में पुलित्जर पुरस्कार से विजेता जिसका फरवरी 2016 को जॉर्जिया में निधन हो गया था, जो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित थे, वे व्यक्ति कौन थे? दोस्तों लेस्ली बेसेट नाम के व्यक्ति दोस्तों जिनका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, कुल बजट राशि जिसे उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 के बजट में पेश किया था, वो कितना था? दोस्तों वो था 44 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 6 मई 2019 को मिथी आर्थर को किस देश की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? दोस्तों इसे दोस्तों पाकिस्तान देश के लिए है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने दोस्तों 7 मई 2016 को एक सरकार प्रस्ताव जारी करके दोस्तों जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कर दिया था? वो सरकार दोस्तों किस राज्य की थी? वो थी दोस्तों गुजरात की। अगला प्रश्न, विद्युत रूप से परमाणु होता है दोस्तों, विद्युत कौन से रूप में प्रमाणित होता है? उदासीन रूप में। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबती हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए दोस्तों कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? वो यंत्र का नाम है दोस्तों सोनार। अगला प्रश्न है, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, सेकंड के लोलक की काल अवधि दोस्तों सेकंड
जो होती है वो होती है 2 सेकंड। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो चुंबकीय से कम प्रति आकर्षण होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, वे दोस्तों क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जो दोस्तों चुंबक से कम प्रति आकर्षित होते हैं वे कौन से पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय में क्रोड के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, वो किसका किया जाता है दोस्तों, मर्दू लोहे का। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधी है, स्नेल का नियम दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कांच में किस रंग का दोस्तों अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो दोस्तों कांच में है ना लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। दोस्तों तारे के टिमटिमाने के कार्य क्या कारण है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, धूम के चश्मे की पावर होती है, धूप के दोस्तों चश्मे की पावर होती है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, मायोपिया का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आए थे, 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में भारत की पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, यानी कि दोस्तों भारत में 1935 के अधिनियम में भारत की पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न, 23 फरवरी 1942 ईस्वी में दोस्तों कोराइल इंडियन नेवी के विद्रोह हुआ था, उसको दोस्तों आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कौन हुए थे, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड चलाने का आदेश किसने दिया था, दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था दोस्तों, जनरल ओ डायर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1927 ईस्वी को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न दोस्तों कहां पर मनाया था, यानी कि दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना पहला दोस्तों आजादी का जश्न कहां मनाया था, कलकत्ता में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब और कहां हुई थी, तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी का पथ भारतीय दोस्तों जनरल, भारत का गवर्नर जनरल होता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, सी राज गोपालाचार्य। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे दोस्तों, वो था द्वितीय गोलमेल सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारण भारत का वायसराय दोस्तों कौन था, वो था दोस्तों लॉर्ड सेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों 1921 को हुई थी। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके दोस्तों नमक कानून का विरोध किया था, वो थी दोस्तों 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय दोस्तों कौन था, वो था दोस्तों लॉर्ड सेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, किस लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमगारों को दोस्तों। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडियन लिबरल दोस्तों फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, जो 1932 में दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को
भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी दोस्तों, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, भूगणित क्या है दोस्तों, भूगणित आकृति और पृथ्वी के मूल्य गणों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक ने आइंस्टीन के ऊर्जा सिद्धांत यानी कि EMC2 का विरोध किया था, वो वैज्ञानिक था दोस्तों अजय शर्मा। दोस्तों वीडियो के लिंक को शेयर करें फटाफट। अगला प्रश्न है, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन दोस्तों कहां होने जा रहा है, वो है दोस्तों बीजिंग में। अगला प्रश्न है, भूगणित दोस्तों क्या है, भूगणित दोस्तों ये आकृति और पृथ्वी के मूल्य गणों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक ने आइंस्टीन के ऊर्जा सिद्धांत यानी कि EMC2 का विरोध किया था, वैज्ञानिक अजय शर्मा। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान क्या है दोस्तों, कवकों का अध्ययन कवक विज्ञान है। अगला प्रश्न, कौन सा स्तनधारी के समूह से संबंधित नहीं है, चिपकली दोस्तों स्तनधारी नहीं है। अगला प्रश्न, टेराकोटा आर्मी किस देश में पाई जाती है दोस्तों, टेराकोटा आर्मी चाइना में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों, वो है कोटा की। आहार का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है, आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी। अगला प्रश्न, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये प्रसिद्ध स्थान किस दोस्तों किस जिले में स्थित है, वह है दोस्तों हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न, राजस्थान के 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां पर आयोजित हुई थी, नसीराबाद में। अगला प्रश्न, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की जनसंख्या में राजस्थान का स्थान दोस्तों भारत में कितना है, भारत की जनसंख्या में राजस्थान का स्थान 8वां है। अगला प्रश्न, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 928 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। अगला प्रश्न है, भारत की आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर दोस्तों कौन सा है, जोधपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सर्वप्रथम पहला आदिवासी साक्षर जिला दोस्तों कौन सा है, डूंगरपुर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे पहला साक्षर जिला दोस्तों कौन सा है, अजमेर। अगला प्रश्न, जनसंख्या क्रियाओं के लिए प्रयोग दोस्तों संयुक्त राष्ट्र फंड यानी कि UNFPA का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, वो है दोस्तों न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, नैरोबी केन्या में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैसेज इन पावर दोस्तों जो पेरिटी के अनुसार कर्म क्षमता में विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दोस्तों कौन सी है, चाइना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राक एट मिसाइल दोस्तों किसकी संयुक्त परियोजना है, ये परियोजना है दोस्तों भारत और इजराइल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, कास्ट्रोजेना प्रोटोकॉल संबंधित है दोस्तों जैव विविधता से। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिली थी दोस्तों, 37 या 37। हाल ही में दोस्तों राज्य के बारह शहरों में नाम परिवर्तन किया गया है दोस्तों, वो किस राज्य में बारह शहरों के नाम परिवर्तन किया गए थे, कर्नाटक के। अगला प्रश्न है दोस्तों,
ट्रिम्पी गेटर.com सर्च इंजन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? पर्यटक मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश भर में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव किस राज्य को प्राप्त है? दोस्तों छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है दोस्तों, WTO की सदस्य संख्या दोस्तों कितनी है? 160। अगला प्रश्न है दोस्तों, एवॉर्ड ऑफ लव पुस्तिका किसकी कृत है? दोस्तों नरेंद्र मोदी की। अगला प्रश्न, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों वो है माधोपुर में। अगला प्रश्न है, मंडुआ रागी के उत्पादन में बिहार के शोक का स्थान दोस्तों कौन सा है? पहला बिहार को दोस्तों, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? दोस्तों 8। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई थी? सट्टे और दोस्तों 7वें में। अगला प्रश्न है, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला के साथ किस विश्वासघात किया था? दोस्तों 1775 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला था, वो उसने अपने किसके साथ विश्वासघात किया था? मीर जाफर के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दोस्तों 21 जून। अगला प्रश्न, गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों इंदिरा गांधी शांति निस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2014 किसको दिया गया था? दोस्तों इसरो को। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन दोस्तों कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में किस राज्य में पाए जाते हैं? देश का सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों मिजोरम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी दोस्तों बिहार में स्थित है। उगते सूर्य का देश दोस्तों कौन सा है? जापान। आगे दोस्तों, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन और दोस्तों मध्य रात्रि का देश नार्वे को। और दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर दोस्तों किसका लेप किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर निशान दोस्तों यानी कि निशान लगाने वाली साइट दोस्तों किसने बनाई थी? सिल्वर नाइट्रेट की दोस्तों ये बनी होती है। अगला प्रश्न है,